मैं ना कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए, हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है, कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं, केवल क्या लिख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, तोते के तरह। भाई को बांटो, भाई को काटो, ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। जो काम अंग्रेजों का हो रहा था हमको नीचे बिठाने का जानवर के तरह, कब तक ये काम चलता रहेगा? वरुण गांधी कहता है, नेता वो होना चाहिए जो गरीब जनता को अपने कंधे पे श्रवण कुमार के तरह उठा के चले, ना कि अपने जूते पर बिठाए। अपनी आवाज उठाओ। अगर वरुण गांधी के खिलाफ आवाज उठाना है, आपका स्वागत है, उठाओ। लेकिन आवाज को अपने मेरे भाई शांत मत होने दो। अगर मौन हो जाओगे तो ये भारत का लोकतंत्र मौन हो जाएगा। अगर चुप हो जाओगे तो ये भारत की आवाज दब जाएगी। क्या इतने साल हमने आजादी के लिए लड़ा ताकि हम लोग डर के मारे लोगों के सामने चुप रहे? जब हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों के गोलियां खाने से नहीं डरे, तो हम ये मामूली एफआईआर से क्यों डर रहे हैं? हम लोगों को इस देश में चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महाराणा प्रताप, महारानी अवंतीबाई लोधी, शहीद भगत सिंह, इनका खून हमारे अंदर दौड़ रहा है। हम लोग पीछे हटने वाले आदमी नहीं हैं। हम लोग केवल एक ही चीज कहेंगे कि राजनीति देश से बड़ी नहीं है, और पहली हमारी जिम्मेदारी देशभक्ति और देश प्रेम की है। अगर आप देश से प्यार करते हो तो मुझे वादा करो यहां से कि छाती चौड़ी करके जाओगे और मान सम्मान पे अपना समझौता नहीं करोगे। कितने लोग मुझसे वादा करते हैं यहां पे कि अपने मान सम्मान से समझौता नहीं करेंगे, हाथ उठा करो। अगर मान सम्मान से समझौता नहीं करोगे तो किसी चीज से डरो मत, किसी चीज से दबो मत। मैं जब यहां तक हूं और मेरे को हिलाने वाला आदमी अभी तक तो पैदा नहीं हुआ, कल पैदा हो जाए बाद की बात है। मेरे सारे लोग के ऊपर सुरक्षा कवच वरुण गांधी की है, और मैं कुछ कोई आदमी माइका लाल ये बोले हम अकेले हैं, जब तक यहां पे सीने में दम है कोई आदमी या महिला यहां अकेले नहीं है। सबके ऊपर मैं चट्टान के तरह खड़ा हूं। जाओ, जो करना है करो, मैं बचाऊंगा तुम लोगों को पीछे से। दबो मत किसी के सामने, शेर के तरह दहाड़ो। मैं बंद कमरे में बोलने वाला आदमी नहीं हूं, मैं खुलेआम बोलता हूं। और जो इस देश को प्यार करता है, जिसके गिरेबान में कोई चोर नहीं होता,
वो राष्ट्रवादी भी है और वो वरुणवादी भी है। क्या तुम राष्ट्रवादी हो? क्या तुम इस देश को बचाने के लिए अपना लहू बहा सकते हो? तो फिर डरने की क्या बात है? शेर बनो, रास्ता ईमानदारी का चुनो और देश का दिल जीतो। पीलीभीत का आदमी जहां पैर चल के बोले तो देश में सिंहासन डोले। देश में लोग जाने कि पीलीभीत में बाघ केवल जंगलों में नहीं मिलते, पीलीभीत में बाघ जो गांव गांव में और मोहल्लों में मिलते हैं। यही मैं कहना चाहता हूं। जय हिंद भारत माता की। मैं ना कांग्रेस के खिलाफ हूं, ना पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए, हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है, कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं। केवल क्या लिख रहे हैं? हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, तोते के तरह। भाई को बांटो, भाई को काटो। ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। जो काम अंग्रेजों का हो रहा था हमको नीचे बिठाने का जानवर के तरह, कब तक ये काम चलता रहेगा? वरुण गांधी कहता है, नेता वो होना चाहिए जो गरीब जनता को अपने कंधे पे श्रवण कुमार के तरह उठा के चले, ना कि अपने जूते पर बिठाए। अपनी आवाज उठाओ। अगर वरुण गांधी के खिलाफ आवाज उठाना है, आपका स्वागत है, उठाओ। लेकिन आवाज को अपने मेरे भाई शांत मत होने दो। अगर मौन हो जाओगे तो ये भारत का लोकतंत्र मौन हो जाएगा। अगर चुप हो जाओगे तो ये भारत की आवाज दब जाएगी। क्या इतने साल हमने आजादी के लिए लड़ा ताकि हम लोग डर के मारे लोगों के सामने चुप रहे? जब हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों के गोलियां खाने से नहीं डरे, तो हम ये मामूली एफआईआर से क्यों डर रहे हैं? हम लोगों को इस देश में चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महाराणा प्रताप, महारानी अवंतीबाई लोधी, शहीद भगत सिंह, इनका खून हमारे अंदर दौड़ रहा है। हम लोग पीछे हटने वाले आदमी नहीं हैं। हम लोग केवल एक ही चीज कहेंगे कि राजनीति देश से बड़ी नहीं है, और पहली हमारी जिम्मेदारी देशभक्ति और देश प्रेम की है। अगर आप देश से प्यार करते हो तो मुझे वादा करो यहां से कि छाती चौड़ी करके जाओगे और मान सम्मान पे अपना समझौता नहीं करोगे। कितने लोग मुझसे वादा करते हैं यहां पे कि अपने मान सम्मान से समझौता नहीं करेंगे, हाथ उठा करो। अगर मान सम्मान से समझौता नहीं करोगे तो किसी चीज से डरो मत, किसी चीज से दबो मत। मैं जब यहां तक हूं
और मेरे को हिलाने वाला आदमी अभी तक तो पैदा नहीं हुआ, कल पैदा हो जाए बाद की बात है। मेरे सारे लोग के ऊपर सुरक्षा कवच वरुण गांधी की है और मैं कुछ, कोई आदमी माइका लाल ये बोले हम अकेले हैं, जब तक यहां पे सीने में दम है कोई आदमी या महिला यहां अकेले नहीं है, सबके ऊपर मैं चट्टान के तरह खड़ा हूं, जाओ जो करना है करो, मैं बचाऊंगा तुम लोगों को पीछे से, दबो मत किसी के सामने, शेर के तरह दहाड़ो। मैं बंद कमरे में बोलने वाला आदमी नहीं हूं, मैं खुलेआम बोलता हूं। और जो इस देश को प्यार करता है, जिसके गिरेबान में कोई चोर नहीं होता, वो राष्ट्रवादी भी है और वो वरुणवादी भी है। क्या तुम राष्ट्रवादी हो? क्या तुम इस देश को बचाने के लिए अपना लहू बहा सकते हो? तो फिर डरने की क्या बात है? शेर बनो, रास्ता ईमानदारी का चुनो और देश का दिल जीतो। पीलीभीत का आदमी जहां पैर चल के बोले तो देश में सिंहासन डोले, देश में लोग जाने कि पीलीभीत में बाघ केवल जंगलों में नहीं मिलते, पीलीभीत में बाघ जो है गांव गांव में और मोहल्लों में मिलते हैं। यही मैं कहना चाहता हूं। जय हिंद भारत माता की। मैं ना कांग्रेस के खिलाफ हूं, ना पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए, हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है, कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं, केवल क्या लिख रहे हैं? हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, तोते के तरह। भाई को बांटो, भाई को काटो, ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। जो काम अंग्रेजों का हो रहा था हमको नीचे बिठाने का जानवर के तरह, कब तक ये काम चलता रहेगा? वरुण गांधी कहता है नेता वो होना चाहिए जो गरीब जनता को अपने कंधे पे श्रवण कुमार के तरह उठा के चले, ना कि अपने जूते पर बिठाए। अपनी आवाज उठाओ। अगर वरुण गांधी के खिलाफ आवाज उठाना है आपका स्वागत है, उठाओ, लेकिन आवाज को अपने मेरे भाई शांत मत होने दो। अगर मौन हो जाओगे तो ये भारत का लोकतंत्र मौन हो जाएगा। अगर चुप हो जाओगे तो ये भारत की आवाज दब जाएगी। क्या इतने साल हमने आजादी के लिए लड़ा ताकि हम लोग डर के मारे लोगों के सामने चुप रहें? जब हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों के गोलियां खाने से नहीं डरे तो हम ये मामूली एफआईआर से क्यों डर रहे हैं? हम लोगों को इस देश में चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महाराणा प्रताप, महारानी अवंतीबाई लोधी, शहीद भगत सिंह, इनका खून हमारे अंदर दौड़ रहा है। हम लोग पीछे हटने वाले आदमी नहीं हैं। हम लोग केवल एक ही चीज कहेंगे
कि राजनीति देश से बड़ी नहीं है और पहली हमारी जिम्मेदारी देशभक्ति और देश प्रेम की है। अगर आप देश से प्यार करते हो तो मुझे वादा करो यहां से कि छाती चौड़ी करके जाओगे और मान सम्मान पे अपना समझौता नहीं करोगे। कितने लोग मुझसे वादा करते हैं यहां पे कि अपने मान सम्मान से समझौता नहीं करेंगे, हाथ उठा करो। अगर मान सम्मान से समझौता नहीं करोगे तो किसी चीज से डरो मत, किसी चीज से दबो मत। मैं जब यहां तक हूं और मेरे को हिलाने वाला आदमी अभी तक तो पैदा नहीं हुआ, कल पैदा हो जाए बाद की बात है। मेरे सारे लोग के ऊपर सुरक्षा कवच वरुण गांधी की है और मैं कुछ कोई आदमी माइका लाल ये बोले हम अकेले हैं, जब तक यहां पे सीने में दम है कोई आदमी या महिला यहां अकेले नहीं है। सबके ऊपर मैं चट्टान के तरह खड़ा हूं, जाओ जो करना है करो, मैं बचाऊंगा तुम लोगों को पीछे से। दबो मत किसी के सामने, शेर के तरह दहाड़ो। मैं बंद कमरे में बोलने वाला आदमी नहीं हूं, मैं खुलेआम बोलता हूं। और जो इस देश को प्यार करता है, जिसके गिरेबान में कोई चोर नहीं होता, वो राष्ट्रवादी भी है और वो वरुणवादी भी है। क्या तुम राष्ट्रवादी हो? क्या तुम इस देश को बचाने के लिए अपना लहू बहा सकते हो? तो फिर डरने की क्या बात है? शेर बनो, रास्ता ईमानदारी का चुनो और देश का दिल जीतो।